चंडीगढ़ से पुलिस की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रग्स के आरोप में दो पुलिस वाले रात के समय एक घर में घुसे और फिर एक महिला के साथ हाथापाई पर उतर आए। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में एक मकान के बाहर चारपाई पर दो महिलाएं बैठी नजर आ रही हैं। तभी यहां दो पुलिस वाले पहुंचते हैं और महिला को घर के अंदर चलने के लिए कहते हैं। महिला जब घर के अंदर पहुंचती है तब एक पुलिस वाला उसका मोबाइल फोन मांगता है। इनकार करने पर दूसरा पुलिस वाला उससे जबरन मोबाइल फोन छीनने की कोशिश करता है। वो कामयाब नहीं होता तो दोनों पुलिस वाले इस महिला के साथ हाथापाई करने लगते हैं। शोर सुनकर दूसरे कमरे से एक लड़की इस कमरे में आती है और पुलिस वालों की ये हरकत देखकर शोर मचाने लगती है। फिर ये दोनों पुलिस वाले घर के बाहर निकल जाते हैं। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के मलोया थाना इलाके की डड माजरा कॉलोनी की है। तस्वीरों में नजर आ रहे एक पुलिस वाले का नाम विद्यानंद है जो एसआई है, जबकि दूसरा हेड कांस्टेबल संजय है। महिला का गुनाह क्या है ये जांच का मामला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई पुलिस वाला किसी महिला के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, जैसी भी इंक्वायरी की रिकमेंडेशन होंगी वैसे एक्शन लिया जाएगा। अमित भारद्वाज, चंडीगढ़, इंडिया न्यूज। पीड़ित महिला का आरोप यह है कि जिस वक्त पुलिस उसके घर पहुंची तब एक पुलिस वाले ने अपनी जेब से एक ड्रग्स की पुड़िया निकाली और महिला को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि उसने इस बारे में पुलिस के बड़े अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत अदालत से की है। सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन सवाल है कि अगर पुलिस को ड्रग्स की शिकायत मिली भी थी तो वो रात के वक्त एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए कैसे पहुंच गई। अगर महिला से पूछताछ करनी भी थी तो भी वहां पर महिला पुलिसकर्मी का होना जरूरी था, लेकिन यहां कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। सवाल ये भी है कि एक महिला के साथ हाथापाई की सीसीटीवी तस्वीरें मौजूद होने के बावजूद अब तक आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अंदर की बात यह है कि चंडीगढ़ पुलिस ने एक साथ कई नियमों की धज्जियां उड़ा दी। सूरज ढलने के बाद किसी भी महिला से पूछताछ के लिए उसके घर में दाखिल हुई, यही नहीं बिना महिला पुलिसकर्मी के एक महिला के साथ पूछताछ के बहाने घुसे और उसके साथ हाथापाई की। हालांकि इस मामले में कई पेज दिख रहे हैं जो जांच के बाद ही खुलेंगे, लेकिन सीसीटीवी के फुटेज से उंगलियां पुलिस पर ही उठ रही।